नमस्कार दोस्तों, सीजी जॉब एंड एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नई नई जॉब्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कार्यालय कलेक्टर एवं अध्यक्ष उत्कृष्ट विद्यालय समिति जिला उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़ अर्थात आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय जो छत्तीसगढ़ में अंग्रेजी माध्यम के शासकीय स्कूल संचालित है, उसमें भिन्न भिन्न शिक्षक के और गैर शिक्षक के अंतर्गत आपका कंप्यूटर ऑपरेटर के अंतर्गत सहायक ग्रेड 3, सहायक ग्रेड 2 जैसे अलग अलग पदों के लिए आवेदन मंगाया जा रहा है। चलिए बात करते हैं संचालक लोक शिक्षण संचालनालय इंद्रावती भवन नवा रायपुर छत्तीसगढ़ के जो शिक्षा विभाग है वहाँ से जिला उत्तर बस्तर कांकेर में जितने भी आपका उत्कृष्ट विद्यालय है स्वामी आत्मानंद के नाम से, उन सभी विद्यालयों में शिक्षक और गैर शिक्षक के अलग अलग पद स्वीकृत किए गए हैं। इन पदों पर यदि आपको आवेदन करना है तो विज्ञापन में निहित शर्तों के अंतर्गत योग्यताधारी आवेदकों से आवेदन पत्र दिनांक 31/7/2021 अर्थात 31 जुलाई 2021 को शाम 5 बजे तक आप गूगल लिंक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन या आवेदक द्वारा आवेदन पत्र ऑनलाइन गूगल लिंक में जा करके आप आवेदन निकाल सकते हैं और इन्हें अच्छी तरीके से फिल करके भर सकते हैं। अभ्यर्थी को और अधिक जानकारी चाहिए तो इनके लिए कांकेर ज़िले की वेबसाइट www.kanker.gov.in पे जाकर अवलोकन कर सकता है। चलिए अब इस पद को हम समझते हैं। यह पद जिला संचालक लोक शिक्षण संचालनालय DPI से जारी किया गया है जिसमें आपका उत्तर बस्तर कांकेर में बहुत सारे पदों पर आवेदन मंगाया जा रहा है। किन किन पद के लिए आवेदन स्वीकृत किए गए हैं हम इन्हें समझते हैं। तो व्याख्याता के पदों की अगर हम बात करें तो हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, भौतिक, जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र, वाणिज्य जैसे बहुत सारे पदों के लिए आवेदन व्याख्याता के पद हेतु मंगाया गया है। व्याख्याता के क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो संबंधित विषय में स्नातकोत्तर तथा इसके साथ साथ BEd की डिग्री भी अनिवार्य है। यदि हम इनके वेतन की बात करें तो रेगुलर कर्मचारियों की जितनी सैलरी होती है उसी के समान सैलरी अर्थात 38,100 रुपये की सैलरी प्रति माह व्याख्याता पद के उम्मीदवारों को दिया जाएगा। चलिए अगला पद हम बात करते हैं प्रधान पाठक की। तो प्रधान पाठक के लिए इसमें पूर्व माध्यमिक के प्रधान पाठक है जिनकी पद संख्या 1 है और इनकी एकमुश्त सैलरी भी 38,100 रुपये निर्धारित है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ स्नातक एवं इसके साथ BEd की डिग्री अनिवार्य है। यदि आप पूर्ण योग्यता रखते हैं तो इसके साथ साथ आपको NCT के अनुसार शिक्षक पात्रता परीक्षा भी उत्तीर्ण होना आवश्यक है। प्रधान पाठक के बाद में शिक्षक के भी अलग अलग विषय हेतु पद निकाले गए हैं जिसमें आपका सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित के एक एक पद स्वीकृत है जिनकी सैलरी 35,400 रुपये निर्धारित की गई है। इनकी अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो शिक्षक अर्थात वर्ग 2 के पद हैं इसके जिसके लिए आप संबंधित विषय में स्नातक इसके साथ साथ BEd की डिग्री तथा TET पास
करना अनिवार्य है। इसके साथ साथ व्यायाम शिक्षक के भी पद स्वीकृत किया गया है, जिनकी क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण तथा शारीरिक शिक्षा में स्नातक की उपाधि होना चाहिए। सहायक शिक्षक के भी अलग अलग पद स्वीकृत किए गए हैं। सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम के लिए कुल 5 पद है, जिसकी सैलरी 25,300 रुपये निर्धारित की गई है। यदि हम इनके क्वालिफिकेशन की बात करें तो मान्यता प्राप्त संस्थान से 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी की परीक्षा उत्तीर्ण हो तथा डीएड या डीएलएड के साथ साथ एनसीटीई द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट की परीक्षा भी उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ग्रंथपाल के लिए भी एक पद स्वीकृत किया गया है, जिनकी क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में स्नातक एवं बी लिप की उपाधि अनिवार्य है। कंप्यूटर शिक्षक के भी एक पद स्वीकृत किए गए हैं, जिनकी योग्यता की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ग्रेजुएट हो, चाहे वह बी हो, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीटेक या बीसीए, स्नातक की डिग्री कंप्यूटर में होनी चाहिए। सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला की बात करें तो भौतिक रसायन जीव विज्ञान के लिए अलग अलग पद स्वीकृत किया गया है। इसके लिए किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं विज्ञान या गणित समूह से उत्तीर्ण होना चाहिए, साथ ही साथ डीएड या डीएलएड की परीक्षा भी उत्तीर्ण होना चाहिए। लेखापाल सहायक ग्रेड 2 के भी एक पद स्वीकृत किए गए हैं। इसके लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए तथा मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर में न्यूनतम 1 वर्षीय डिप्लोमा होना आवश्यक है। सहायक ग्रेड 3 की अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके लिए भी मान्यता प्राप्त संस्थान से कक्षा 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, साथ साथ 1 वर्षीय डिप्लोमा अर्थात कोपा, डीसीए, पीजीडीसीए जैसे योग्यता जिस उम्मीदवार के पास है वे इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। भृत्य के भी पद स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें आपका अनारक्षित 1 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जनजाति के पद स्वीकृत है। इसके लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से कक्षा 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। चौकीदार के लिए भी एक पद स्वीकृत है, जिनकी योग्यता कक्षा 8वीं प्राप्त होना चाहिए। यह जितने भी पद हैं वह अलग अलग विद्यालयों के लिए अलग अलग पद स्वीकृत किया गया है। पूरा कांकेर में बस्तर, उत्तर बस्तर कांकेर में जितने भी विद्यालय आत्मानंद के अंतर्गत संचालित होते हैं उन सभी विद्यालयों में शिक्षक और गैर शिक्षक, जिसके अंतर्गत आपका सहायक ग्रेड 3, सहायक ग्रेड 2 के पद स्वीकृत किए गए हैं। इन सभी पदों के लिए जैसी जैसी क्वालिफिकेशंस निर्धारित किए गए हैं, यदि आपका क्वालिफिकेशन उसके अंतर्गत आता है तो आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। मैंने पूर्व में भी बताया कि अब इसके न्यूनतम आयु सीमा की बात करें तो आपकी आयु सीमा 1/1/2021 की स्थिति में कम से कम 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और अधिकतम 35 वर्ष अनिवार्य है। यदि
ऐसे ही अन्य जानकारियाँ आपको चाहिए तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम नए नए जॉब की वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहें। आपके भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए हम हमेशा तत्पर रहें। इसी